देखिए आप क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला जा रहा है, इन एन एपी इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म इज जीरो फाइंड इट फिफ्थ टर्म। ठीक है, मतलब कि जो सम है किसका सम है, थर्ड और सेवन टर्म का, वो कितना है, जीरो है, तो फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है हम लोग को। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले मैं इसका थर्ड टर्म निकाल दूंगा। थर्ड टर्म निकालना मतलब ए थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस थ्री माइनस वन डी, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है ना ए एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ए एन इक्वल टू मैं अगर यहां ऊपर लिख दू तो और अच्छा रहेगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो यहाँ पे ए थ्री निकाल रहे हैं हम लोग, तो एन का वैल्यू क्या है, थ्री है ना, तो ए क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री माइनस वन डी, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस टू डी बन जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट फिर हम लोग क्या निकालेंगे, सेवन टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सेवन माइनस वन डी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सिक्स डी। आप देखिए जब भी आपको इस तरह से टर्म निकालना रहता है ना, तो आप एक घटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, टू डी सिक्स डी, फाइव का अगर निकालना रहता तो क्या लिख देते हैं हम लोग, फोर डी, है ना। तो अब क्या करना है, इनका सम जीरो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए सी सी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है कि ये जो ए थ्री प्लस ए सेवन क्या है, ए थ्री प्लस ए सेवन इक्वल टू जीरो है। अब ए थ्री क्या है, ए प्लस टू डी है, इसको प्लस अगर हम लोग कर दे किसके साथ में, ए प्लस सिक्स डी के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो आना चाहिए ऐसे करके। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो ये कितना मिल जाएगा हम लोग को, ए प्लस फोर डी, ए प्लस एट डी, नॉट ए प्लस एट डी, टू प्लस ए डी इजिकल टू क्या हो जा रहा आपका, जीरो हो जा रहा है ना। और एक चीज यहाँ पे देखिए, ये वाला लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे टू को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस फोर डी बचेगा, एंड विच इज इजिकल टू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और इसी को मैं ध्यान पूर्वक लिखूं यहाँ पे, तो ये टू जो रहेगा जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, जीरो हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिल गया, ए प्लस फोर डी इजिकल टू जीरो। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा हूं, क्या हम लोग इसका फिफ्थ टर्म नहीं निकाल लिया है, क्योंकि अगर मैं फिफ्थ टर्म निकालता ए फाइव, तो क्या मिलता मेरे को, ए प्लस फाइव माइनस वन डी मिलता, और ए प्लस ये क्या हो जाता, फोर डी। तो गौर करिए कि हम लोग तो ये चीज को निकाल लिए ना, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर डी इजिकल टू जीरो, जो हम लोग को निकालना था। दैट मीन्स इसका फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा, फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या निकला हम लोग का, जीरो निकला। आई होप आप सबको समझ में आया होगा अगला क्वेश्चन।